बीड बाईपास पर सिटी होटल का यहाँ शुभारंभ मौलाना जी ने यहाँ पर भगवान का नाम स्मरण करके किया। सबसे पहले तो मैं हमारे दोनों भी भाइयों को मुबारकबाद दूंगा। चाइनीज वेज नॉन वेज हम सब इंडियन हैं लेकिन खाना चाइनीज है। इंडियन भी है। निश्चित ही मैं समझता हूँ कि भीड़ बाईपास इस अच्छे शहर में ये कॉम्प्लेक्स में रशीद मामू के कॉम्प्लेक्स में रशीद मामू मैं समझता हूँ एक मुसद्दी राजकारणी जिसको बोलते हैं अच्छे समाज सेवक है और कदीर मौलाना जी भी यहाँ उपस्थित है। सभी की उपस्थिति में एक अच्छा होटल है। मैं भी एक होटल का मालिक था लेकिन कुछ राजकारण में आने के कारण मुझे बंद करना पड़ा। इनको सलाह दूंगा कि आप राजकारण में मत आओ, पूरी तरीके से होटल चालू करो। सर आज उद्घाटन के बाद से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात भी हो जा रही बहाने बारे से क्या कहेंगे इसके ऊपर इलेक्शन में नजदीक तो हमारे मित्र पक्ष के है सर। ये महाविकास आघाड़ी के हमारे नेता है और हमें रोज मिलते हैं। हमारी पार्टी अलग है लेकिन विचार एक है और मैं समझता हूँ कि हम महाविकास आघाड़ी के नेता है और शहर के जो तजुर्बेकार जिसको बोलते हैं अनुभवी मेयर मेरे से सीनियर में रह चुके हैं। कदीर मौलाना जी भी एक अच्छे हाउस में एक अच्छे जिनको कमांड कहते हैं अपनी अच्छी बात भी वो रखते थे। निश्चित ही सभी तजुर्बेकार लोग जो अनुभवी लोग यहाँ इस उद्घाटन में मौजूद है और तीनों पार्टी का मिलाप यहाँ हो रहा है। मैं समझता हूँ निश्चित ही आने वाले इलेक्शन में हमारी ये दोस्ती ऐसी बरकरार रहेगी। दिल के गहराई से हाजी ईसा कुरैशी साहब को और उनके पार्टनर को मुख्तार कुरैशी और उनके पार्टनर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बीड़ बाईपास के ऊपर खुसूसी ख़ास तौर से ये जो खाने की होटल का इफ्तिताह हो रहा है आज बड़ी बुज़ुर्गों की दुआओं की बरकत से माशाल्लाह ये इसका इफ्तिताह हुआ है और हम सभी हमारे माजी महापौर रशीद मामू और नंदू घोड़ेले और सभी लोगों की मौजूदगी में दुआओं से अल्लाह के नाम से इसकी शुरुआत हुई है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत बरकत रहेगी। आने वाले दिन में अल्लाह इनको कामयाब फरमाए और लोगों के लिए बहुत सहूलत होंगी कि इस तरह की होटल में समझता हूँ दूसरी होटल है यहाँ पे। नहीं अभी इसकी नहीं है। ये नहीं है, आगे है मेरा। हाँ ये दूसरी होटल है और अल्लाह ने चाहा तो यहाँ के लोगों को बहुत सहूलत होंगी क्योंकि काफ़ी मुसाफिर और आजू बाजू के लोग आते जाते हैं। रशीद मामू के ये कॉम्प्लेक्स है और मामू ने जो बड़ी मेहनतों से ये कॉम्प्लेक्स को बनाया है अल्लाह उसमें भी बरकत अता फरमाए और कामयाब फरमाए। सर अभी नंदीगढ़ घोड़े ने साहब ने कहा है कि माँ विकास आघाड़ी तो क्या दूसरे पार्टी उठ रहेंगे ना सर? माँ विकास आघाड़ी यहाँ पर है वो कहा कि सर माँ विकास आघाड़ी यहाँ सब नजर आ रही है। देखिए माँ विकास आघाड़ी आज मुत्तहद आपको नजर आई जैसे राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इधर शरद पवार साहब मीटिंगें कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे मीटिंगें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फिरका परस्तों को घेरने के लिए एक योजना तैयार हो रही है। इसमें हमारी अहम भूमिका होना चाहिए, हमने अपने किरदार को अच्छे से अदा करना चाहिए। किसी शायर ने कहा अपने किरदार को सवारे तो कुछ बात बने, दाग नफरत के मिटाए तो कुछ बात बने, अपने तकदीर से सबको सब कुछ मिलेगा यारो लेकिन दिल से दिल को मिलाए तो कुछ बात बने। आज भीड़ बाईपास पे रशीद मामू कॉम्प्लेक्स में सिटी पैलेस होटल का उद्घाटन हुआ है, इफ्तिताह हुई है। यहाँ पर खदीर मौलाना भी आए हैं, नंदू घोड़ेले भी थे, पूरे महल्ले के तमाम लोग आए हैं तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ ईसा कुरैशी साहब उनके बेटे और मुख्तार साहब दोनों पार्टनर मिल के काम करे हैं तो मेरा किराए पे देने से पहले मेरे बच्चे को मैंने पूछा क्वालिटी देंगे क्या, नहीं तो मैं देने वाला नहीं था। यहाँ क्वालिटी अच्छी मिलेगी बोल के मैंने दिया हूँ, नहीं तो क्या उनकी क्वालिटी मेरी बिल्डिंग का नाम बदनाम ना हो। तो मैं ये वायदे से कहता हूँ कि क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी और यही बात है कि क्वालिटी की वजह से मैंने किराए पे दिया हुआ उनको उस क्वालिटी की वजह से तो और क्वालिटी का दोनों मोहब्बत खुलूस से और हमारे नौजवान जो बिजनेस में आ रहे हैं उसलिए खैर बरकत भी है और बिजनेस में और खाने पीने का शौक है तो क्वालिटी अच्छी। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि भीड़ बाईपास पे पहला है हटके दूसरा है
लेकिन बिड़वाई पास पे ऋषि ब्रह्म कॉम्प्लेक्स में पहला खुला है, आप आइए आके पहले तजुर्बा कीजिए, और मैंने तजुर्बा करके इनको दिया हूँ किराए कि आपको क्वालिटी मिलेगी, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, जब क्वालिटी मिलती तो अच्छा मिलता है करके, इसलिए मैं कहा हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ये दिन सब क्वालिटी पाने तो आपको जायका बदल जाएगा, नहीं मैं सब मैं तो खाते खाते इतना जईफ होगा बहुत जायका बदला होगा, मैं आप लोगों की फिक्र कर रहा हूँ कि नौजवानों का आपका जायका अच्छा हो जाए, उन्होंने जायका अच्छा बताया। और बात आप कहें अभी हमारी विकास अगाड़ी बनी कि दोनों पार्टनर मिलकर कर रहे हैं, यही विकास अगाड़ी है। ये बाबरकत मौका है, ये जो इफ्तिताह है होटल का, होटल क्या रहती है असल में सबके जो है जरूरत की चीज है, ये कमाना इसमें दोनों चीजें हैं, सवाब भी कमाना है और पैसा भी कमाना है। अभी रशीद बाबू ने अपने कॉम्प्लेक्स में जो है इसको खोला है और हमारे हाजी ईसा साहब हैं, तो इंशाल्लाह इसमें सबको फायदा होगा। हम इसमें जो है रशीद बाबू को मुबारकबादी देते हैं और हाजी ईसा साहब को भी मुबारकबादी देते हैं। अल्लाह पैगाम यही है कि भाई नौजवान लोग जो है आगे बढ़े और हुसूल माश यानी अपने माश के हासिल करने में जो है जितने जरिए हलाल हो सकते हैं उसको इख्तियार करें और उम्मत की और पूरी इंसानियत की खिदमत करें, समझे नहीं सर, बस यही हमारा पैगाम है। मुख्तार कुरैशी है और ये हमारे जो भाई है, हमारे बड़े भैया का नाम भी मुख्तार कुरैशी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है तो अपनी सिटी होटल के नाम से अपनी होटल का इफ्तिताह हुआ है बीड़वाए पास पर, और इस होटल के अंदर जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन, चाइनीज़, नॉन वेज, वेज, अल्हम्दुलिल्लाह सभी किस्म के खाने हमारे पास अवेलेबल है। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि एक बार इंशाल्लाह जो है तो हमारी होटल पर आकर जो है तो खाने का लुत्फ़ उठाए, और जो है तो हमारे पास जो टेस्ट है सबसे डिफरेंट है और सबसे हटकर है। होम डिलीवरी नहीं, नहीं होम डिलीवरी नहीं है, होम डिलीवरी नहीं है अभी अभी तो फिलहाल में ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जैसी अगर कुछ ग्रोथ होता है तो आगे इंशाल्लाह होम डिलीवरी भी करेंगे। ये सिटी पहली होटल खुली यहाँ पे बीड़ बाईपास पे, स्टेशन के पास बीड़ बाईपास जो जा रहा है, तो यह सिटी पहले रशीद मांगो कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर चाइनीज की होटल खुली है और चाइनीज में पूरी वेराइटी मिलेंगी यहाँ पर इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है तो हमारे महापुर साहब आए थे यहाँ पे अभी नंदू कुमार गोलोले, हाँ जी, और यहाँ हमारे रशीद बाबू महापौर माजी, हमारे खजीर मौलाना, और तुम्हारे यहाँ पे और बहुत सारे लोग, उनके नाम मैं सबके नहीं ले सकता अभी, बहुत अच्छे तेजाम में लोग जमा हुए यहाँ पे इस उद्घाटन के अंदर, और ये उद्घाटन में खाने की वेराइटी नंबर एक मिलेंगी यहाँ लोगों को, अच्छी वेराइटी मिलेंगी खाने में, ताज़ा ताज़ा बना के नूडल्स है और चाइनीज है, मच्छी है, चिकन की तंदूरी है, ये खाने में जितने आइटम है यहाँ 10-12 आइटम है यहाँ इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे, हर क्वालिटी यहाँ पे मिलेंगी लोगों को, सहूलत भी मिलेंगी यहाँ बैठने के लिए, उसके लिए इंशाल्लाह लंच आते हो सर। ये मतलब रेट के बारे में बताइए, सस्ता रहेगा भाई? रेट एकदम रिजनेबल रेट रहेगा और क्वालिटी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। कुरैशी ऑल इंडिया जमीत कुरैश के अध्यक्ष।